नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 11 बज रहे हैं, मेरे साथ सुजाता और प्रियंका भी इस बुलेटिन में मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। फेक वीडियो मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रही है। आरक्षण खत्म करने की बात निराधार है। कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो बनाया है। तेलंगाना की सीएम ने फेक वीडियो फैलाया है। राजनीति में ऐसी हरकत कभी नहीं हुई है। कांग्रेस की राजनीति का स्तर गिर चुका है। क्या कहा है सुनिए जरा। उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किए। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलरेट कर फर्जी टाइप का जनसमर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, विपक्ष द्वारा बहुत ही ओछा तरीका अख्तियार किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो ओरिजिनल वीडियो में अपने मनमानी डायलॉग्स को ऐड करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आज हम रिपब्लिक भारत आपको ओरिजिनल और फेक वीडियो दिखाएगा, जिसके बाद जनता खुद समझेगी, फैसला करेगी कि विपक्ष की ओछी राजनीति क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो लगातार रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री ने फिर एक बार साफ किया कि कैसे उनका एक डॉक्टर्ड वीडियो चलाया गया है और इस बीच सीएम योगी ने भी कांग्रेस पर इशारा साधा और ये कहा है कि संविधान विरोधी है। ओबीसी का कोटा काटकर धर्म के आधार पर कोटा देने की कोशिश की गई, रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई और धर्म के आधार पर इस तरह का रिजर्वेशन संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ कांग्रेस है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण काटा और धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई जो कि संविधान विरोधी है। देखिए, इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और कांग्रेस ने लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का मामला रहा हो या उसके बाद भी लगातार ये प्रयास किए कि वह संविधान को अपने तरीके से इस्तेमाल करे। जनता का शासन जनता के लिए है, जन भावनाओं का सम्मान हो, ये कभी भी उसने प्रयास नहीं किया। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आरक्षण संविधान पर राजनाथ सिंह का बयान आया है, विपक्ष की भ्रम फैलाने की साजिश है, ये कहा जा रहा है हमेशा संविधान की रक्षा करेगी बीजेपी। सर आप तो राजनीतिक शुचिता के लिए जाने जाते हैं, आपकी बोली में शुचिता रहती है, पर जिस तरीके की पॉलिटिकल कमेंट्री समय की जा रही है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता है कभी सनातन धर्म पर, कभी हिंदू पर, कभी प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणियां करते हैं, क्या रीजन लगता है इसके पीछे आपको? नहीं, मुझे लगता है कि केवल वो सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव उन लोगों के लिए है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए करें, लेकिन सरकार का उद्देश्य है देश बनाना, तो राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। जब यह उद्देश्य सामने होगा तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की हरकतें विपक्ष कर रहा है वैसी हरकतों से वो बच सकता है। किसानों को और इस बीच आपको बताया अखिलेश यादव किस तरह से अब सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण पर जो बीजेपी है उसके सुर बदल गए हैं, चुनाव आरक्षण समर्थक बन चुकी है बीजेपी, पहले आरक्षण का विरोध कर रही थी। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए जरा। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? अगर रेल बिक जाएगी तो क्या वहां आरक्षण होगा? अस्पताल में जो आउटसोर्स में नौकरी आ गई, क्या उसमें आरक्षण होगा? और ये अगर भर्ती से लेकर के और जो कर रहे हैं संविदा और आउटसोर्स पे, उसमें क्या आरक्षण होगा? ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं, ये इनकी बड़ी साजिश है। लेकिन हम समाजवादी लोग इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज अब से थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन उससे पहले रोड शो की तैयारी है, बड़ी जानकारी मिल रही है। पहले रोड शो किया जाएगा, उसके बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा नई दिल्ली लोकसभा सीट से। बड़ी खबर मिल रही है, अब से थोड़ी देर बाद बांसुरी स्वराज जो है नामांकन दाखिल करेंगी और लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं, रोड शो कर रही हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक भारी हुजूम भी लोगों का पहुंच रहा है। बांसुरी स्वराज की कटआउट्स लेकर लोग काफी अपना उत्साह दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन पहले रोड शो होगा आज और उसके बाद नामांकन दाखिल होगा। और कड़ी टक्कर है आम आदमी पार्टी से, कड़ी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अभिभूत हूँ और एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये मोदी जी की गारंटी है, जो सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये जो आप जन सैलाब दिख रही है, ये मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पे जनता का आगाज। अपने डेब्यू को कैसे देखते हैं आप, आपकी माँ से आपकी तुलना की जाती है?
ये टिकट मेरे अकेले का नहीं है, ये टिकट सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का टिकट है। और मैं आपको बताऊं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पार्टी और मेरे संगठन की शक्ति मेरे साथ खड़ी है। माँ का आशीर्वाद जरूर है और नरेंद्र मोदी जी का एक दशक का सुशासन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव से जो भरा हुआ उन्होंने भारत कराई है उसका असर। कैसे खुद को एक सफल नेता के तौर पर साबित करेंगे अपनी माँ की तरह? मैं नेता बनने आई नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी श्वास तक भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूंगी। जनता के साथ संपर्क में लगी हुई हूँ पिछले 56 दिन से, वही जारी रहेगा। और यदि जनता सेवा का मौका देती है तो उनके बीच में मौजूद रहकर, उनके लिए उपलब्ध रहकर मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने की गारंटी मैं ली। 400 पार के नारे को कैसे देखते आप? अब की बार 400 पार नारा है ही नहीं, संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी भारत की जनता। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो बांसुरी स्वराज पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और बेहद हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया। हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, आपने उनसे बात भी की है। देखिए, लेगेसी का फायदा भी होता है तो कई बार दबाव भी होता है, और बांसुरी स्वराज का नाम सुषमा स्वराज से जुड़ा हुआ है जो बहुत ही पॉपुलर और कद्दावर नेता रही है। बिल्कुल, और यही सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की तरह, क्योंकि डेब्यू उसी तरह से देखा जा रहा है, उनका डेब्यू उसी तरह से देखा जा रहा है क्योंकि जब सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा था दक्षिणी दिल्ली से, तब भी उनके सामने वकील थे और दूसरी तरफ सुषमा स्वराज भी वकील थी, तब भी वकील वर्सेस बनाम वकील बनाम वकील देखी जा रही थी लड़ाई। और आज भी यही देखा जा रहा है, जब सोमनाथ भारती खुद पेशे से वकील भी है और वो भी पहली बार अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इधर बांसुरी स्वराज भी डेब्यूटेंट है, तो अगर वो यहाँ पर इस सीट पर यानी कि नई दिल्ली पर सोमनाथ भारती को हराने में सफल हो पाती है तो एक कद्दावर नेता के रूप में वो उभर पाएंगी, क्योंकि एक्टिव राजनीति में वो पहले